कैसे आ गया? क्रिश बेटा, देखो तुम्हारे माता पिता तुमको लेने आए हैं, तुम्हें इनके साथ घर जाना चाहिए। चल हमारे साथ घर चल। चल उठ उठ। चल बेटा चल उठ। क्यों उठा रही तू? बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये तो बाहर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही। अरे पर मारा क्रिश तो हमारे दूर सो रहा है। चलो चलिए बाहर देखते हैं। पेटी में से रोने की आवाज आ रही बच्चे की। इसमें खोलना। अरे परी, यो पेटी तो खाली है। अरे पर बच्चा रोने की आवाज तो आवा थी। समझ में कुछ ना आ रहा है। इस पेटी ने बंद कर दो, हम कमरे में जाते हैं। बंद कर। क्रिश को आज अकेले हिप्नोटाइज करना चाहता हूँ। जी मास्टर जी। चल लाजो जाओ। ओम नमो नमाय। ओम नमो नमाय।
के बोल मार सर। देख मैं कौन हूँ या कृष, तूने उन लोगों से पैसे लेकर कैसे कैसे बड़ी कर दी। अब तारे हमारे से कोई नहीं बचा पाएगा मार सर। तू तो गया, अब तू नहीं बचेगा। अब तारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मास्टर, तू तो गया। जब से यू अंदर से आया मरने मारने की बातें कर रहा है। अरे 40 के पीछे कहीं असल में जान दे दे यू। बोलो जल्दी चल। लाजो और भोला ने मुझे गलत काम के लिए पैसे दिए थे, मैं मर जाना चाहता हूँ। नहीं कोशिश कर देख 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 गलत काम के लिए पैसे ये हमारे काम ले रहा है। मुझे मर जाना चाहिए। इस चीज के लिए क्या करेंगे? अरे पता ना क्या हो गया इसमें। अरे हमारा नाम देगा यू। मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। सचिन कित गया? मैंने तो आज उसे हॉल में लेटा दिया है। मैंने तो उसे देख के डर लगने लगा है। अब मैं सच कह लाजो, अरे मैं भी जब उसकी शक्ल देखूं ना तो मन भी अजीब सा डर लग गया। और खास तौर पे मास्टर जी की मौत की बात तो अरे मारे भी मन में डर बैठ गया। लेकिन अब क्या करें भोला, उसे कौन ठीक करेगा? मैंने तो मास्टर जी पे पूरा भरोसा था, लेकिन अब तो वो भी परलोक से हार गए। को क्या लगता है मास्टर जी की मौत के पीछे उसी का हाथ है? अरे उसी का याद है ना, मास्टर जी पागल थोड़ा थे जो अपनी जान दे देते। तो बस उसने ठीक करने का एक ही तरीका है कि पास के गांव में कल्याणी नाम की औरत है, बहुत बड़ी तांत्रिक है वो, और कहा है कि देवी माँ की कृपा है उस पे। अच्छा। बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत उसने अपने काबू में कर लिए। मैं सोचू उसने मिलने जाऊं, वही सचिन ने ठीक कर पाओगी। मदद करने आया हूँ इधर। एक बात कहूँ,
भोला और लाजो लारा सारा सबक मारना। फिर मेरे असली माँ बाप किधर है? थारा थारा माँ बाप दिल्ली में है। थारी माँ आज भी तारा इंतजार कर रही है कि उसका बेटा बेटा घर आएगा। दिल्ली माँ दिल्ली माँ दिल्ली माँ ये थारा थारा माँ बाप ना है ना है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बच्चा होता तो इतनी जल्दी गायब हो जाता क्या? और कोई बच्चा इस रूम के अंदर कैसे आ सकता है? बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। उसने बोला हमारा सचिन जिंदा। मेरी बात का भरोसा करो। ये कैसे हुआ? जरूर वही बच्चा होगा। आवाजें तो यहीं से आ रही थी, सचिन के रूप से। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, जबकि आवाजें साफ साफ यहीं से आ रही थी। तुम्हारा बेटा जिंदा है, सचिन जिंदा है। रंजना, रंजना, ये देखो, ये क्या लिखा है? उसी ने लिखा और कौन लिखे? ये सचिन मर्डर ना हमारे लिए एक पहेली बन गया है। अगर सचिन का मर्डर हुआ है तो कोई क्लू तो मिले। तेरा दिमाग तो बहुत जासूसों की तरह चलता है ना, लगा दिमाग जरा। साहब मुझे तो लगता है कि ये सचिन मर्डर केस जितना सिंपल नजर आता है वास्तव में उतना सिंपल नहीं है। क्योंकि साहब अगर सचिन का मर्डर फिरौती के लिए किया गया होता तो अपहरण के बाद फिरौती क्यों नहीं मांगी गई? मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये सचिन मर्डर केस से कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है जो हम पुलिस वालों को भी चौंका देगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सचिन का फादर राजकुमार बोल रहा हूं। हाँ राजकुमार जी बोलिए, कैसे याद किया? इंस्पेक्टर साहब आप इसी वक्त हमारे घर पर आ सकते हैं, मुझे आपसे सचिन के बारे में कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी 10 मिनट पहुंच रहे हैं। ठीक है। यादव लगता है ये सचिन मर्डर केस में हमें कोई नया क्लू मिलने वाला है। चल
आइए सर। आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए राजकुमार जी, क्या बात है? कहीं आपको आपके बेटे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास सचिन के कत्ल से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले आप मिरर पर लिखी हुई इन लाइनों को देखिए। मिरर पे लाइन? व्हाट, ये क्या है? तुम्हारा बेटा जिंदा है, सचिन जिंदा है, ये मिरर पे खून से कौन लिख गया? इंस्पेक्टर साहब, हमें ये तो नहीं पता कि लाइनें कौन लिख गया, लेकिन कोई लिख जरूर गया है। इट्स इम्पॉसिबल। इंस्पेक्टर साहब, आप जिसे इम्पॉसिबल कह रहे हैं वही इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजकल मेरी वाइफ के साथ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। मींस? उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई उससे कह रहा हो कि उसका बेटा सचिन अभी जिंदा है। आज की बात ले लीजिए, आज भी उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो उसे कह रहा था कि आपके सचिन का मर्डर नहीं हुआ है बल्कि उसकी जगह मेरा मर्डर हुआ है और आप लोगों ने मेरा दाह संस्कार किया है। देखिए राजकुमार जी, आप आज बहुत अजीब अजीब बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आज के जमाने में आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ एकदम सच कह रहा हूँ। इस समय जिस तरीके से आप चौंक रहे हैं ना, ऐसे मैं भी चौंका था। साहब, मुझे तो लगता है कि ये कोई आत्मा वात्मा का चक्कर है। हाँ, ये फालतू की बकवास बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे। ठीक है साहब, जब आप कह रहे हैं तो मैं अपना ये बकवास बंद कर लेता हूँ, लेकिन आप बिना इनसे उस पोस्टमार्टम के विषय में पूछिए। क्या आपके बेटे का कभी कोई स्टमक का ऑपरेशन हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे सचिन का कभी भी कोई स्टमक का ऑपरेशन नहीं हुआ था। अजीब बात है, आप लोग एक दूसरे को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। राजकुमार जी, दरअसल आपके बेटे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा है कि करीब 2 साल पहले उसका स्टमक ऑपरेशन हुआ था। साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार उस अनाथ आश्रम में भी फोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि साहब जिस दिन सचिन का मर्डर हुआ था ना, उसी दिन से वहां से एक बच्चा गायब है। You're right, यादव, तुम सही कह रहे हो। मुझे एक बार अनाथ आश्रम में भी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। राजकुमार जी, एक मिनट। हेलो, आप अनाथ आश्रम के मैनेजर मिस्टर सावंत बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मैनेजर सावंत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। ओह इंस्पेक्टर साहब, बोलिए, कैसे याद किया आपने? आपने कुछ दिन पहले आपके अनाथ आश्रम से गायब हुए एक बच्चे की रिपोर्ट लिखवाई थी, राइट? जी हाँ, बिल्लू नाम का एक बच्चा पिछले कई दिनों से आश्रम से गायब है, उसी के बारे में लिखाई थी। मुझे उस बिल्लू नाम के बच्चे के बारे में कुछ इंक्वायरी चाहिए। जी हाँ, आज से 2 साल पहले उसका स्टमक का एक ऑपरेशन हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या बिल्लू के बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे उसके बारे में जब भी कोई खबर मिलेगी हम सबसे पहले आपको खबर करेंगे। ठीक है सर, ठीक। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? यादव, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। अनाथ आश्रम से गायब हुए उसी बच्चे का स्टमक का ऑपरेशन हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब है कि हमारा बेटा सचिन अभी जिंदा है, और जिसे हम अपना बेटा सचिन समझ रहे थे वो वास्तव में अनाथ आश्रम का कोई दूसरा लड़का था। देखिए राजकुमार जी, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी फिलहाल सब कुछ पता चलने में बहुत देर है। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस मर्डर केस का राज बहुत जल्दी खुलने वाला है। मिलता हूं मैं आपसे। चलो चलो। हमारा सचिन जिंदा है, हमारा सचिन जिंदा है। छेमा काली, जागो जागो, जय ओम देवी, नमस्तुते, छेमा जाए।
चली जा कल्याणी, चली जा यहाँ से, वरना मरेगी तू, मरेगी फिर भी मौत उस मास्टर की तरह होगी, चली जा। हारो को पता नहीं है, मारो नाम, नाम मारो नाम बिल्लू है, बिल्लू सच्चे नाम हो। जो भी मारो रास्ते में आएगा वो अभी मरेगा। समझी? नहीं नहीं जाऊंगी, अब तू जाएगा यहाँ से, माते भी तुझे यहाँ से भगाएगी। जय माँ काली, जागो माँ जागो। अभी भी बोल रहा हूँ, चलेगा मैं नहीं चलने वाली। जागो माँ, जय माँ काली, जागो माँ, जय माँ काली, जय कल्याणी, जय माँ काली, जय माँ महारात्री। जागो माँ गई कल्याणी, अब बाकी मारे तो सोच सोच के हाथ पैर फूले जा रहे हैं। होगा कि हैं? ये जो कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मेरी वजह से सब कैसे हो रहा है? अरे जब से ये बच्चा मारे घर में आया ना, हमारी जिंदगी नरक हो गई है। अरे मारा ही दिमाग खराब हो गया था जो थारे चक्कर में आ गए। और बना इसने अपना बेटा। अरे बेटा ना आई हो तो थारी और मारी मौत। इस सचिन ने अपना बेटा बनाने के चक्कर में तने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला कर लिया। सच बोला, आगे से मैं किसी को अपना बेटा मारने की गलती ना करूंगी। माँ, माँ एक बात पूछूं? पूछ ले बेटा। मैं थारो बेटो ना है के? बेटा? अरे तू मारा ही बेटा है बेटा। अरे थारा मारा तो सात जन्म का साथ है बेटा, हैं? तो मने भूख लगी है, मने गोड़ मटर पूड़ी और गरम गरम सब्जी दो ना। पूड़ी कचौड़ी बनाने? आ रही बेटा, पूड़ी पूड़ी कचौड़ी अभी अभी बना रही तेरी माँ। पिछले जन्म के कौन से पूरे कर्मों का फल मारे को मिल रहा सर? मारे को लगता है पिछले जन्म के ना इसी जन्म के कर्मों की सजा आई है। आओ।
बेटा ले तेरी पूरी सब्जी। आराम से आराम से। मुन्ने को और बुढ़ी बाजी चाहिए अभी इसी वक्त। बेटा लाऊं लाऊं अभी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। ये पूरा खत्म कर लिया के? हाँ अरे पता ना क्या कर रहा है। आराम से मुन्ने को और पूरी सब्जी चाहिए। हाँ हाँ बेटा लाऊं 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 पूरी। अब क्या लेने आए हो? अरे और पूरी सब्जी मांग रहा है वो। कहाँ से? दुकान से। ये देख रहे ना आटा बटर ना सब्जी ये दिख रहा है? बेटा ना उस शैतान का कुआं है कुआं और मांग रहा है क्या करें अब? मड़े कुछ ना बता चलो के समझा देते हैं कि कुछ ना बचा चलो चल। पूरी और सब्जी की थे बेटा 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 इतना खाना नहीं खाते घर में सारा आटा खत्म हो गया सारी सब्जी भी खत्म होगी बेटा। वो सब मारे को कुछ ना बेरा मन्ने को अभी इसी वक्त पूड़ी और सब्जी चाहिए। बेटा बात समझने की कोशिश कर घर में आटा खत्म हो गया सब्जी खत्म हो गई। मन्ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। बेटा इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ना है का? तरीका तो है अरे इससे पहले कि यह मुसीबत और बढ़ जा हमने कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। बूढ़ा इससे पहले बहुत देर हो जाए जल्दी कुछ सोचो। सोचन दे मने सचिन बेटा आज तू अड़ा नहीं सोएगा। तो फिर किधर सोऊंगा अंदर वाले कमरे में? ना उड़े भी नहीं सोएगा तू फिर आज बेटा तने तेरे नाम ना तो बिल्लू है ना क्रिश तेरा असली नाम सचिन है बेटा और तेरे माँ बाप दिल्ली में रहे और बेटा हम तने उड़े ही छोड़ने जा रहे हैं। हाँ बेटा चल चल जल्दी कर हाँ। लेकिन चल। अरे बेटा दिल्ली पहुंचना हाँ बेटा चल चल देर हो रही चल शाबाश आ जा। हाँ बस घर पहुंचने वाले हैं बेटे बस और थोड़ी देर की बात है बस 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 डट जा। यो ये तेरा घर ये हाँ ये मैं कहाँ आ गया? अरे यही तो है तेरा बड़े घर जाने का रास्ता जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया आज तक।
बहुत परेशान करा तन्ने। अब बेटा मैं ये सारी परेशानी जड़ता ही काट दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ। समझ गया? पास मत आइए मेरे, ना इस सचिन का गला काट के रहूंगा मैं। दरवाजा खोल। लाचो तो कहीं। अब थारो नंबर है थारो। मुझे माफ कर दे, तो मैं रह नहीं जाता। हाँ, तुम्हारे को भी मरने का कौन सा शौक था? अब तुमने मार डाला, वो भी बहुत बुरी तरह से। अब जब थारो नंबर आया, तो डर लगे। हाँ, खोल। मुझे माफ कर दे। दरवाजा खोल। बोला, बोले खोल। हे भगवान। आज तो ये मेरी जान लेके रहेगा। अभी डरने का कोई फायदा नहीं। कुछ तो करना होगा। पुलिस। अब देखो। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, मैं भोला बोल रहा हूँ साहब। कौन बोला? साहब ये बिल्लू का भूत मुझे जान से मार डालेगा साहब। बिल्लू का भूत? क्या बकरा है तू? उसने मेरी पत्नी को भी मार डाला सर। अभी टलने का कोई फायदा नहीं। सर मैं वो पापी हूँ साहब, जिसने अपनी पत्नी के साथ बिल्लू का एक अनाथ आश्रम से अपहरण किया था साहब। आ रखा बिल्लू को? साहब मैं कैरी गांव में हूँ साहब, जल्दी आ जाइए साहब, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा साहब। दरवाजा खोल बोला। तो वहीं पे रुक, हम अभी पहुंच रहे हैं। ठीक है साहब। यादव जी साहब, जीप निकाल। लगता है ये सचिन मर्डर केस जल्दी सुलझने वाला है। और क्या करूं? सचिन की मम्मी डैडी को फोन लगा देता, वो भी यहाँ आ जाए। हेलो हेलो राजकुमार जी, मैं भोला बोल रहा हूँ। भोला? कौन भोला? मैंने ये आपके बेटे का अपहरण किया था। जल्दी आइए जल्दी।
बेटा प्लीज उसे छोड़ दो। सचिन बेटा उठो, सचिन ठीक है ना? नहीं वो पापी हो, उसने बिल्लू का खून किया और बिल्लू की लाश को सचिन के घर फेंक दिया। हम सचिन को अपना बेटा बनाकर पालना चाहते थे, हमने ये सब किया, मैंने और मेरी पत्नी ने। तब कानून मुझे जो सजा देगा मैं भुगतने को तैयार हूँ, बस मुझे इससे बचा लो साहब। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, देखो बेटा मैं सिर्फ तुमसे विनती कर सकता हूँ, प्लीज इसे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ इसे फांसी से कम सजा नहीं होगी, मेरा विश्वास करो प्लीज। ये तो वही बच्चा है जो उस रात मेरे सपने में आया था और जिसने मुझसे कहा था कि हमारा सचिन जिंदा है। बेटा तुमने ही सचिन के कमरे में वो खून से लिखा था? हाँ मैंने ही लिखा था। बेटा तुम्हारी वजह से आज हमारा सचिन हमें वापस मिल पाया है। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में तुम हमारे बेटे थे, अगर इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। मारी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही विनती है, मारी बहन बबली अनाथ आश्रम में है, उसे आप लोग अपना लो, आप दोनों के रूप में उसे माँ बाप मिल जाएंगे और सचिन के रूप में उसे खोया हुआ भाई मिल जाएगा। बिल्लू एक माँ होने के नाते मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि हम तुम्हारी बहन बबली को जरूर अपनाएंगे और हम उसे अपने घर लेकर आएंगे। वो आज से नहीं बल्कि अभी से हमारी बेटी है और सचिन के रूप में उसे अपना भाई भी मिल जाएगा सदा। ले चलिए सर।